प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश सुनाऊं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 18 और 19। जी हां मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु जब नासरत गए थे, जहां पे उनका पालन पोषण हुआ था, वो इजायस नबी का पुस्तक लेकर उनमें से पढ़ते हैं और वो उनका पहला प्रवचन था। और सबसे पहले वो किसके पास आते हैं? अपने ही लोगों के पास आते हैं उनको ज्ञात कराने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ईश्वर का पुत्र है, जिसके बारे में नबियों ने, पुरखों ने पुराने व्यवस्था में कहा था, वो आज उनके सामने साक्षात रूप में खड़ा है। इसलिए वह कहते हैं प्रभु का आत्मा मुझ में छाया रहता है। आज का सुसमाचार को दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों। पहले भाग में जहां पे प्रभु यीशु मसीह लोगों को पाठ सुनाते हैं, वे उसे सुनना चाहते थे, अर्थात जो उनके लिए वादा किया था वह बहुत लोग खुश थे, वो उनके आज जीवन में संपन्न होता है। लेकिन दूसरे भाग में देखिएगा, क्या वाकई में लोग प्रभु यीशु को सुनकर खुश थे? नहीं, वो यह प्रश्न करने लगते हैं, कहां से ये ज्ञान इनको मिली? ये तो बड़ाई का बेटा है। प्रिय भाइयों तो बहनों, जब हम किसी को पसंद नहीं करते हैं, हम किसी की तरक्की नहीं देख सकते हैं, जो अच्छाई दूसरों में उनको नहीं कर सकते हैं, हम लोग भी ऐसा ही प्रश्न करते हैं। हमें भी प्रभु ने बहुत सारे वरदान है दिए हैं प्रिय भाइयों तो बहनों, लेकिन हम में से बहुत कम लोग उन वरदान का इस्तेमाल करते हैं। जब वे लोग वरदानों का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हैं, जो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं उनको ठांग अड़ाते हैं, उनको पीछे या वापस खींचते हैं, वो आगे ना बढ़े। और ऐसे ही इशारों से, ऐसे ही बातों से उनको हम लोगों रोक देते हैं। प्रिय भाई तथा बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे चुनौती देते हैं कि हम भी उन इज़राइलियों के समान हैं, जो हम अपने आप को प्रभु की चुनी हुई प्रजा कहते हैं। बपतिस्मा प्रभु में हम लोग ग्रहण किया है, आज हमारा कर्तव्य बनता है उस प्रभु को दूसरों को देना, उस प्रभु को दूसरों में बांटना। इसलिए प्रभु कहते हैं हमारे प्रभु ने क्यों अभिषेक किया है? दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने के लिए, बंदियों को मुक्ति का, अंधों को दृष्टिदान का, दलितों को स्वतंत्रता का। 4 लोगों को यहां पे प्रभु यीशु मसीह आज हमें भेजते हैं, दरिद्रों के पास, बंदियों के पास, दृष्टिदान देने के लिए अंधों के पास और दलितों के पास। प्रिय भाई तथा बहनों, ये शारीरिक चीजें हम दे नहीं सकते, लेकिन हम आंतरिक रूप में दरिद्र हैं, आंतरिक रूप में बहुत सारे दरिद्र हैं जो प्रभु को आज भी अनुभव नहीं कर सकते हैं। वहां पे हमें जाना है। बंदी हैं हम, हमारे पापों के कारण जकड़े हुए हैं, बंदी हैं हम, खोल अपने आप को खोल नहीं सकते हैं। वहां पे हमें जाना है प्रिय भाई तथा बहनों। अंधे हैं, दूसरों की अच्छाई देखने में अंधे हैं हम, क्योंकि प्रभु मुझ में नहीं है, प्रभु को मैंने अनुभव नहीं किया है और हम दलित बन गए हैं,
स्वतंत्रता मुझ में नहीं है। हम आज भी सोचते हैं कि प्रभु कहाँ पे हैं, प्रभु इस संसार में क्यों आए थे, आज भी जब मैं आंतरिक रूप में स्वतंत्र नहीं हूं। आइए जब आप इस सुसमाचार को सुनेंगे, आप अपने आप को कुछ ना कुछ ठान लीजिएगा प्रिय भाई तथा बहनों कि मैं प्रभु का सुसमाचार मेरी जीवनी द्वारा दूसरों तक पहुंचाने के लिए कोशिश करूंगा। आमीन।